बोलता रहनी कहता रहनी जाके गाली देता रहनी जा चप्पल से चार चप्पल मारूंगी तुम लोगों भोसड़ी वाले तुम लोग हमको हमारे इथी करा रही हो तुम्हारे इथी को टाका तोड़वा कर खोपड़ी उसको निकलवा कर बाहर हम निकलवा दे रहे हैं। कल सुबह 10 बजे तक तुम्हारे आदमी को हम इथी कर देंगे। रो का है रही है ना, हम बहुत कौन है कि हाथ जोड़नी है बस साहब डॉक्टर साहब बहुत गरीब आदमी बनी हम जोगाड़ को कर हम कौन हम दे दे तब तब मारे के करनी है जबरदस्ती बेगो लड़की पकड़ पकड़ उठे लगा लिया। आप क्या लगती हैं उनके? उनकी आई लगती हूँ, उनकी पत्नी हूँ। क्या लगा लो? और क्या लगा लो? चोरी के इंजाम में लगा के तुम लोग अभी फंसवा दूंगी। यही थी मिशन पूरा थाना पर थी कर रफे यही थी करवा कर तुमको वहाँ पर फंसाऊंगी तुम लोग को। ये देश की गरीब महिला है, ये दो वक्त की रोटी और बेहतर इलाज चाहने वाली महिला है, ये मर चुके सिस्टम के सामने हाथ जोड़कर उसके जीवित हो जाने का सपना देखने वाली महिला है। पर आखिर इस महिला की आंखों में आंसू क्यों हैं? ये बाद में, उससे पहले गरीब की आंखों में खुशियों के सपने सजोने वाले देश के नेता को सुनिए। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक साल में 5 लाख रुपए तक का अस्पताल का खर्चा भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के देगी। इसका परिणाम ये होगा कि गरीब जो पहले अस्पताल जाने से कतराता था वो अब छोटी बीमारी होगी तो भी जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पैसे मोदी सरकार देने वाली है। उसे विश्वास है कि बीमार रहना ठीक नहीं है, रोजी रोटी कमानी है तो मुझे पहले उपचार करवाना चाहिए, वो कराएगा। जी हाँ प्रधानमंत्री जी, विश्वास था, पूरा विश्वास था कि इलाज के पैसे मोदी सरकार देने वाली है। इसलिए तो गोरखपुर स्थित रचित नामक एक प्राइवेट अस्पताल में एक पीड़ित व्यक्ति गंभीर हालत में आयुष्मान कार्ड लिए अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचा। पहले तो उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया, फिर काफी मान मनवल के बाद भर्ती किया गया। मरीज को बेहतर इलाज तो नहीं मिल पाया, पर बदले में पैसों की मांग की गई। जब ये बात पीड़ित के परिचित गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अनिल दुबे को मालूम पड़ी तो वो अपने परिचित की मदद के लिए डॉक्टरों से बात करने अस्पताल पहुंच गए। पर छात्र नेता को अस्पताल पहुंचना काफी महंगा पड़ गया। जब अनिल दुबे ने डॉक्टरों से बात कर मरीज को डिस्चार्ज कराने की बात कही तो डॉक्टर साहब पैसों की बात पर आ गए। फिर अनिल ने डॉक्टर से आयुष्मान कार्ड की बात बताई तो डॉक्टर साहब एक दंगाई की तरह पूरे परिजन को जान से मारने की धमकी दे बैठे। तो अब सवाल उठता है कि किसके बलबूते मरीजों में जान भरने वाला कोई अस्पताल किसी की जान लेने के लिए तैयार है। सवाल आयुष्मान भारत योजना पर भी है कि आखिर इतने दावों के बावजूद ऐसी लापरवाही कैसे और किसके इशारों पर की जा रही है। सवाल बहुत है पर जवाब कब मिलेगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन जवाब का इंतजार हम भी करते हैं। हम यानी समाचार नगरी।